अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए सर्दियों में बनने वाले ड्राई फ्रूट्स लड्डू लेकर आए हैं, जो खाली दिनों में भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसे आमतौर पर सर्दियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे मज़ेदार लड्डू बनते हैं, और इसे हम और हेल्दी बनाने के लिए हम आपके लिए इसे शुगर फ्री बना रहे हैं। हम इसमें हम शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ खजूर से ही बनाएंगे इसे, क्योंकि खजूर ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो इसमें हम कुछ भी मीठी चीज़ नहीं डालेंगे। तो चलिए हमें इसे क्या क्या लगेगा बनाने के लिए आपको बताते हैं। हमने ये 250 ग्राम खजूर लिया है, जो हमने बिना बीज वाले जो खजूर आते हैं मार्केट में, थोड़े सॉफ्ट वाले, तो ये इसमें बिना गुठली वाले हैं, ये बिना बीज, इसमें बीज नहीं है, तो वो खजूर लिया है हमने। अगर आपके पास बीज वाले भी खजूर है तो आप उसके बीज निकाल कर इस तरह से इसे बीज निकाल के रखें। और खजूर कभी भी याद रखें, आप लड्डू बनाने के लिए थोड़े सॉफ्ट वाले खजूर लें, सख्त वाले खजूर ना लें। तो ये हमने 250 ग्राम पेंट खजूर लिया है, 50 ग्राम हमने पिस्ता लिया है, 100 ग्राम अखरोट लगेंगे हमें, और 100 ग्राम ही बादाम लिया हमने, और 100 ग्राम काजू, और 100 ग्राम हमने ये ताज़ा फ्रेश नारियल को हमने घिस के ले लिया है, इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में घिसा है इसे। तो ये 100 ग्राम हमने कच्चा नारियल लिया है, और 100 ग्राम किशमिश लगेगी हमें, और 2 से 3 टेबलस्पून हमने असली घी लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सब ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हम इसे ओवन में रोस्ट कर रहे हैं, आप चाहे तो पैन में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। और फिर खजूर को हम इस तरह के मिक्सर के जार में सबसे पहले खजूर पीस लेंगे हम इस तरह से, इसमें डालकर। देखिए हमने खजूर को इस तरह से थोड़ा मोटा रफली पीस लिया है, थोड़े बड़े जार में इसे पिसा है हमने, और इसे थोड़ा काट कर पीसें। इन सब चीज़ों को हम ओवन में रोस्ट कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम इस तरह से एक ट्रे में डाल लेंगे। देखिए हमने ये चारों चीज़ों को हल्का सा, बस हमें इसे क्रिस्पी होने तक बस हल्का सा रोस्ट करना है, फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा से घी में भी हल्का सा फ्राई करने वाले हैं। तो चलिए दोनों कॉइल चालू करके इसे ओवन में थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए इसे हमने बस हल्का सा रोस्ट किया है, बस 3-4 मिनट ही हमने इसे रोस्ट किया है। अभी इसे हम ठंडा होने के बाद कैरी बैग में डाल के हल्का सा बेलन से इसे हम बस रफली मोटा मोटा कूट लेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में नहीं पीसना है, इसे इसके थोड़े हमें रफली मोटे मोटे टुकड़े रखना है, तो इसलिए हम इसे बेलन से हल्का हल्का रफली कूट लेंगे। तो चलिए पैन में हम सबसे पहले ये 2-3 टेबलस्पून उतना हमने ये असली घी लिया है घर का, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें से ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा है इसे हल्का सा घी में रोस्ट करके इसे निकाल लेंगे। तो चलिए घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम सबसे पहले ये रखे थे जो ड्राई फ्रूट्स वो डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे भून लिया है हल्का सा पहले ओवन में, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई, बस इसे हल्का सा, बस 1 से 1.5 मिनट उतना ही हमें इसे घी में फ्राई करना है। बस इसे हमने हल्का सा बस रोस्ट किया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू, भीनी खुशबू आ रही है, हमें इसे फौरी ही निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये जल गए तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। चलिए इसी में ही हम ये किशमिश को डाल देंगे, किशमिश को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, और ये खोपरे को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक ही बस रोस्ट करना है। इसे भी हम ड्राई फ्रूट वाली प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से हम पैन में 1 टेबलस्पून उतना घी डालेंगे, और ये खजूर को हमने इस तरह से रफली मोटा मोटा पीस लिया था, अब इसे भी हल्का सा हमें रोस्ट करना है। फिर जब तक रोस्ट करेंगे हम, तब जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, 3-4 मिनट तक इसे हमें इसी तरह भूनना है,
हम 2 चम्मचों की मदद से भुनेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाता है। चमचे को देखिए, अच्छे से ये मेल्ट हो रहा है, हल्का हल्का। देखिए ये हमारे खजूर अच्छे से हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसे हमने ठंडा होने के लिए एक ट्रे में निकाल लिए हैं। इस तरह से इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, हमें बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है इसे, वरना हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। बस हमें इसे इतना ही ठंडा करना है कि ये इसको हम हाथ से छू सकें। तो चलिए इसे 10 से 12 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये थोड़ा ठंडा हुआ है, इसे 3-4 मिनट हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। याद रखें, इसे हमें थोड़े जब गर्म रहा है तभी इसके हमें लड्डू बनाना है। ये हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हैं ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े ठंडा हो गया है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको जैसे भी पसंद हो उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून उतना इसमें शहद भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मग़ज़ियात भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग इसमें खशखश तिल भी डालना पसंद करते हैं। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम पूरे लड्डू बना के रख देंगे। तो चलिए बहनों, ये हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार हैं। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपके पास भी सबको घर में ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये कितने अच्छे से अंदर से भी इसमें ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से अच्छे से इसमें मिक्स हो गए। तो आप इसे ज़रूर घर में बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।